खड़े हो, मेरा काम हो गया। देखो मीरा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। ओके। अच्छा आपके पास कोई नाम पता नंबर कुछ कुछ पता है आपको उसके बारे में? हाँ हम रजिस्टर में लिखते तो हैं, अभी लाके दिखाते हैं। हाँ प्लीज, आज खूनी का पता चल जाएगा कि खून हुआ था, हाँ तो किसका और किसने किया था। मैडम मिल नहीं रहा, यही तो रखा था, पता नहीं कहाँ गया। बाबा जी प्लीज कुछ करो, ये रजिस्टर मिल जाए, उस बंदे का नाम पता चल जाए तो सारी गुथियां सुलझ जाएंगी। मिल गया। क्या हुआ, आपने शक्ल ऐसी क्यों? ये तो फट गया है। फट गया ये? ऐसे कैसे फट गया ये? पता नहीं, पूरा रजिस्टर तो ठीक है, बस यही फटा है, नाम से ही फटा है बिल्कुल। इसका मतलब जो कोई भी है उसको पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, इसीलिए उसने पहले ही सबूत मिटा दिया। लेकिन मैंने ये बात तो पापा जी के अलावा किसी को भी नहीं बताई। आप अपना नाम नंबर दे जाओ, वो कल शायद फिर आएंगे, उन्हें कुछ और भी चीज बेचनी थी। मैं ना उस बंदे का नाम पता पूछ के आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया गल है, आप पेन फड़ा दो। देखिए वीर जी, एक ना दरख्वास्त है कि आप अगर वो बंदा है तो उसको मेरे बारे में मत बताना। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, अगर उसे पता चल गया तो शायद इससे आगे ना बढ़ पाऊं। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, ये है पानी मिलेगा? हेलो, ओए छोरी को पानी पिलाओ। परीक्षा तेरी बेटी भुगत रही है वो उसके कर्म नहीं, उसके पति के कर्म है। दो दिन बाद मेरी गुरु महाश मंदिर में आएंगी, वो तुम्हें विवान का सारा सच बता देंगी। माता रानी, मेरी मीरा ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं जानती हूं कि वो अंदर से कितनी बेबस और टूटी हुई है। मां रहम कर और जल्दी से वो गुरु मां को यहां पे भेज दे, ताकि वो कुछ उपाय बता सके मेरी बेटी को इस मुसीबत से, इस मायाजाल से बाहर निकाल सके। मेहर कर दे मां, मेहर कर दे। विवान का फोन, अगर इसको बताया कि मैं कहाँ हूं तो खामखा बेचारा परेशान हो जाएगा, क्या करूं। हेलो मीरा, कहाँ हो? अब वो बड़े मंदिर ना, वो जोत जगाने गई थी मैं, बस घर ही आ रही हूँ। अच्छा जी, तो तुम मंदिर गई थी जोत जलाने, और ये जो घर पे तुम्हारा भगवान समान पति है उसका ख्याल कौन रखेगा? चुप रहो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हो। क्या उल्टा सीधा, तुमने टाइम देखा? रात हो गई है, चांद निकल गया है, मैं घर पे अकेला हूँ, कोई घर पे नहीं है, और ऐसी बातें करूंगा ना?
अच्छा जी, अभी 10 मिनट में ना घर आके तुम्हें सीधा करती हूँ। पूरिया मोहल्ले तक पहुँच गई हूँ, बस आ रही हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। चली आती कहीं इस टोपी का राज इस घर से तो नहीं चढ़ा हुआ। आज का दिन एक और वजह से भी स्पेशल। याद आया क्यों? आज के दिन हम पहली बार मिले थे, तो उस पर एक स्पेशल सरप्राइज तो बनता है, है ना? यू हैव टू वेट फॉर दैट। पहले आप केक तो काटें जनाब। हाय, I have a surprise for you. तुमसे कहा मैंने कि तुम्हारे दिमाग में जो फालतू के ख्याल आ रहे हैं उनको भूल जाओ, उन पर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आते? तो मेरी बात मानती नहीं। और मैंने जान के नहीं किया विवान। वो घर में जब इधर खींचता है मुझे नहीं पता, कुछ तो सीखता है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। मीरा को रोकना होगा, उसका एक एक कदम मेरे पास की तरफ बढ़ता जा रहा है। सॉरी मीरा, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं मीरा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको तंग कर रही हूं ना, तुम्हें मम्मी पापा सबको, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कोई ना कोई पक्का उपाय ढूंढना पड़ेगा।
वो मैं ढूंढ के रहूंगी। अरे पुत्र, नहीं मम्मी जी, मेरे को भूख नहीं है। ओ विवान पुत्र, ओ तू तो खा ले। जी। क्या क्या पुत्र? भैया। भूख नहीं है। अच्छा मैं नहा के आती हूँ फिर खाती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ तेरा। ये नए जमाने के बच्चे जब परेशान होते हैं ना, तो उन्हें नए जमाने के नुस्खे देने पड़ते हैं। विवान पुत्र। जी दादी। जरा इधर आ मेरे पास। वो डोली में सब्जी तो डाल। बैठ। जरूरी है कुछ होगा तभी तू मेरे साथ बैठ के बात करेगा। है? नहीं दादी, ऐसी बात। देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बड़ा बुझा सा है तू, और वहाँ मीरा भी परेशान लग रही है। है? कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मीरा तो बस थकी हुई थी तो। देख पुत्र, कई बार हालात ना रिश्तों की डोर में ऐसी गुंजल डाल देती है ना कि पति पत्नी चाहे कितनी कोशिश करें पर उसे सुलझा नहीं पाते। ये रिश्ता तो तुम दोनों का जुड़ा है ना। और तुझे एक राज की बात बताऊं पुत्र, लड़कियां ना कभी कभी इसलिए भी रूठती है कि देखे पति को उससे कितना प्यार है, वो उसे मनाता है कि नहीं। है? और मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट में ना तू कोहली और तेंदुलकर से भी आ गया, तो लगा एक ऊंचा सा प्यार का छक्का और मना ले मीरा को, फिर उड़ने दो अपनी पतंग को खूब ऊंचे। मीरा को इन सबसे बाहर लाने के लिए पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। मीरा को इतना प्यार देना होगा कि उसको सिर्फ मैं और मेरा प्यार ही दिखे, बाकी सब भूल जाए। ये मीरा कहाँ चले गए? अभी ऊपर कमरे में ही तो आई थी। मीरा, मीरा, मीरा क्या हुआ? मीरा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मीरा, मीरा क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? Are you serious? तुम इससे डर गई? वैसे तो बड़ी बहादुर बनती, पर आज एक छिपकली से डर गई। एक छिपकली से डर गई मीरा? वो एक छिपकली नहीं है, वो एक छिपकली है। वो तो कोई शेर मिला मैं उससे भी भिड़ जाऊंगी, पर ये छिपकली इतनी लचलती होती है, इतनी गिलगिली होती है, मुझे बड़ी गंदी लगती है। वो ऐसे जीभ निकालती है और अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है, बहुत गंदी लगती है, मुझे घिन आ रही है। Come on, खड़े हो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आ गया हूं ना। और अगर ये छिपकली जीभ निकाल के तुम पे हमला करने की कोशिश करे ना, या तुम्हें अटैक करने की कोशिश करे, तो मैं एक काम करूं,
मैं उनसे कहूंगा कि छिपके लीजिए, आप मेरी मीरा को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो, मुझे अपनी उस डरावनी जीप से अटैक कर दो। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना, तो मैं कहूंगा कि वो तकलीफ मुझे दे दो और मेरी मीरा को छोड़ दो, ठीक है? जी प्यार की दास्तान अमर हो जाएगी उनके और मेरे प्यार की। भगवान का आशीर्वाद लें कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे बना रहे, इसका असर, इसका साया, इसकी कशिश हमेशा हम एक दूसरे से बांधे रखें, हमारे जाने के बाद भी इसका असर खत्म ना हो। ये लो, आज मुझे अपना बना लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, फिर क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हो? कौन है वो बताओ। नहीं बता सकता। नहीं नहीं मत जाओ प्लीज, जाओ जाओ। कैसे हम एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते फिर हम? प्लीज आई लव यू, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज क्यों कर रही हो ऐसा, मुझे बताओ ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं, नॉट नॉट नॉट, यू कांट।